जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह, बिहार पुलिस का इंस्पेक्टर। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। आज हम बिहार दरोगा के संपूर्ण विषय से लेके सारा प्रोसेस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आप लोग घर बैठे सेल्फ स्टडी से और टेलीग्राम है और सब माध्यम से आप लोग घर बैठे, कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे आप लोग दरोगा बन सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो दोस्त नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट रहेगा तब चैनल हमारा और आगे जाएगा और हम आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे जो भी जैसे टेलीग्राम पर चल रहा है क्यूज, बाद में आपको यूट्यूब पर भी आपको सेट प्रैक्टिस हम कराने का सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे सब हम करा देंगे। तो हम आपको आज बता दें कि सबसे पहले आप लोग हमारे जो भी दोस्त है वो जानते होंगे कि बिहार दरोगा बनने के लिए सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, आपका न्यूनतम उम्र 20 साल होना चाहिए, अधिकतम उम्र आप लोग जानते हैं 37 साल होता है और जो कैटेगरी के अनुसार बढ़ भी जाता है जितना हो। तो 37 साल काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर आपको दरोगा बनना है तो 37 साल बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि इतना समय में आप लोग अगर रनिंग कर सकते हैं तो जरूर बन जाइएगा ना। तो बहुत लोग का रनिंग अभी जो 20-25 की उम्र में बहुत लोग छड़ जाते हैं, 37 साल तो बहुत रेयर केस में जो लोग होते हैं जिन जो लोग फिजिकल पास करते हैं। तो ये हो गया फिजिकल में, हम आपको बार बार बताते हैं कि आगे आपका हाइट होना चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 165 सेंटीमीटर, और जो भी एससी एसटी ईबीसी है उनका 160 सेंटीमीटर, जितनी भी जो भी कैटेगरी की लड़कियां हैं उनका 155 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये आपका बेसिक है। उसके बाद फिजिकल बाद में होगा तो उसका चर्चा होगा। अब आ जाते हैं प्री पर, प्री और मेंस। आप लोग जानते हैं जब फॉर्म भरिएगा तो सबसे पहले प्री होता है और प्री के बाद मेंस होता है। प्री आपका 200 नंबर का 100 क्वेश्चन होगा, इसमें निगेटिव 1/10 होता है। हम पहले प्रूफ भी कर दिए हैं और फिर कभी मौका मिला तो आपको प्रूफ कर देंगे, हम बता दिए 1/10 होता है। मेंस में 2 पेपर होता है, पहला पेपर हिंदी का होता है, जो हिंदी क्वालिफाइंग होता है आपका उसमें बस 33% मार्क्स लाना होता है, वो सभी लोग पास हो जाता है। रेयर केस में कोई रोल नंबर या कुछ गलती करता है तभी उसमें फेल होता है। और जो मेन पेपर है मेन्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा, उसी पर आपका मेरिट बनता है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम आपको आज से शुरू से अंत तक बताते हैं इसके सिलेबस वाइज, जैसे किरण पब्लिकेशन ने एक चार्ट तैयार किया जिसमें वो अच्छा से बताया है कि कितना क्वेश्चन किस सेक्टर से पूछा गया है। तो हम लगभग जो 1717 हो गया, 2446 हो गया, 2213 हो गया, 1275 हो गया, और ESI और XI ये सब जितने भी भर्ती आता है, लगभग 10 गो दरोगा के एग्जाम में 10 और 20 पेपर के करीब हुआ है। तो हम आपको बता देते हैं उसका पूरा एनालिसिस, आपको डिस्प्ले पर भी दिख जाएगा, अभी भी बता देते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास से आपको टोटल इतने 92 क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 4% आता है। जैसे 100 क्वेश्चन है तो 4 गो आपको 4 क्वेश्चन प्राचीन भारत से होगा, मध्यकालीन इतिहास से आपका 4 क्वेश्चन के करीब वो भी होता है, आधुनिक भारत से आपको ज़्यादा रहता है 6 क्वेश्चन। मतलब हम आपको पहले भी बोलते हैं कि 12-15 क्वेश्चन आ जाता है, तो 12-15 क्वेश्चन आपका ये इससे हो गया, और कला और संस्कृति उसी में आता है, उससे भी 2 क्वेश्चन, तो 12-16 हिस्ट्री का वेटेज बिहार के किसी भी एग्जाम में ज़्यादा रहता है। तो ये हो गया हिस्ट्री का। उसके बाद से भारतीय राजस्व व्यवस्था और संविधान, तो इसमें 10 क्वेश्चन रहता है, हम पहले ही बताए थे। भूगोल से भी 10 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और भूगोल में देखिए हम बताते, भूगोल में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बस ये है कि जो हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी है उससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका 4-5 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अर्थशास्त्र से आपको 5 से 10 के बीच में अल्टरनेटिंग उतार चढ़ाव होता रहता है, किसी में कभी ज़्यादा पूछ देता है, किसी में कम होता है, तो एवरेज 5 से 10 हम लोग को मान लेना है। जो आप साइंस में आ जाए, साइंस में आपका फिजिक्स से वहीं 5 के करीब रहता है, केमिस्ट्री से भी 6-7 रहता है, और बायो से थोड़ा ज़्यादा रहता है, कभी 7 कभी 8, इसी के एवरेज। मतलब साइंस से आपको टोटल 20 क्वेश्चन पूछने का टारगेट रहता है, साइंस से 20 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद से जो स्टेटिक्स होता है, स्टेटिक्स में अलग अलग पार्ट होते हैं, तो स्टेटिक्स में हम सब बता दे, उसी में अलग अलग जैसे प्रांगत सामान्य ज्ञान से आपको 10 क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपको 2 क्वेश्चन, कंप्यूटर से कभी काल 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और प्री में मैथ जानते हैं 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, और मेंस में मैथ और रीजनिंग मिला के लगभग आपका 20 से 22 क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्री में करेंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा रहता है, आपको लगभग 20 के करीब पूछा जाता है, किसी में कभी 25 हो गया, 26 हो गया, पहले पूछा जाता, लेकिन अब 20 के आसपास, जैसे 20-22 हो जाएगा, 16-17 हो जाएगा, इसी के करीब रहता है।
और बीवी जो है बीवी से आपका इधर उधर से देश राजधानी और सब बहुत सारे मिला के उससे भी 5 से 10 क्वेश्चन रहता है। हम एवरेज बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबका ज़्यादा जुड़िएगा तो 100+ क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे कम जुड़िएगा 100 से नीचे ही हो जाएगा, एक एवरेज होता है। तो हम आपको बता दें कि तैयारी करने का सबसे बेस्ट, देखिए हम जैसे आपको टेलीग्राम चैनल द गोल्डन बैच हमारा जानते होंगे, वहाँ बिहार दुर्गा का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, वहाँ सभी इंपोर्टेंट जैसे दृष्टि साइंस अभी हम करा रहे हैं, आप लोग के करेंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिए क्योंकि करेंट अफेयर्स भी बहुत महत्वपूर्ण है बिहार दरोगा के लिए, या जो भी आगे एग्जाम आने वाला है बीपीएससी का भी है, बिहार पुलिस का भी है, तो करेंट अफेयर्स भी चल रहा है उसमें। और हम लूसेंट कराएंगे आपको एक ऑल बिहार एग्जाम, बार बार बोलते इसलिए बोलते क्योंकि वो ऐसा बुक है जिसमें बिहार के जितने भी एग्जाम उसके चैप्टर वाइज हुए। मान लीजिए हम एक सिंपल आपको बात बताते हैं, जैसे बिहार दरोगा का तैयारी करने के लिए चाहे आप हमारे पास पढ़े कहीं पढ़ रहे हो उसके लिए सिंपल आपको बता रहे हैं, जैसे कोई भी थ्योरेटिकल बुक पढ़ लीजिए जैसे लूसेंट हो गया, चाहे किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान हो गया क्योंकि उसमें बहुत ही बृहद रूप से वर्ल्ड, देखिए अभी जिनको जाना है बिहार पुलिस देने वर्ल्ड हिस्ट्री तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री लूसेंट से थोड़ा ज़्यादा बढ़ चढ़ के आपको किरण के सामान्य ज्ञान में मिल जाएगा, उसमें बहुत ही अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री दिया गया है। तो हम आपको बता दें कोई भी चैप्टर जैसे प्राचीन भारत आप पढ़ लीजिए किरण पब्लिकेशन की, चाहे लूसेंट से पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आ जाइए ऑल बिहार एग्जाम में, ऑल बिहार एग्जाम में आप प्राचीन भारत का क्वेश्चन लगाइए तो आप क्या पढ़े इससे प्रूफ हो जाएगा कि, क्योंकि बिहार के जितने भी एग्जाम हुए बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, सबका क्वेश्चन यहाँ उठाया गया है, तो आप वहाँ जो पढ़ रहे हैं यहाँ देखिएगा कि हाँ इसी टाइप के हम क्वेश्चन पढ़े हैं तो पता चलेगा हम सही दिशा में चल रहे हैं। अगर उस टाइप से क्वेश्चन नहीं आ रहा जिसे हम पढ़ लिए यहाँ आके मारे हमको समझ में नहीं आ रहा, हमसे क्वेश्चन नहीं पकड़ा रहा, तो इसका मतलब और हमको उसको अच्छा से पढ़ना होगा कि यहाँ मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसके लिए आप लोग दो बुक से अभी तैयारी करिएगा तो आपका आराम से हो जाएगा। तो वहीं हम आपको टेलीग्राम पर ऑल बिहार एग्जाम कराते हैं, अभी उसको थोड़ी जैसे हम करा रहे हैं अभी, तो आप लोगों को फ्री में अभी करा रहे हैं, सुबह 9 बजे चलता है, तो अभी हम बस उसको आपको रिवीजन बिहार पुलिस के लिए करा, लेकिन जो हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ उसमें चलेगा तो उसमें आपको होमवर्क दिया जाएगा क्योंकि 7,000 उसमें क्वेश्चन है, आपको डेली का डेली होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क से पूरा क्वेश्चन उठा के फिर आपको पूछा जाएगा। और जैसे और सब चल रहा है तो इसी तरह आप लोग वहाँ जुड़ के आराम से अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जो लोग अपने सेल्फ स्टडी से भी करते हैं तो ऐसे ही प्रोसेस करिए, जैसे वहाँ जो पढ़ लीजिए फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ऑल बिहार एग्जाम से कि इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, ऐसा करिएगा तो आप लोग आराम से धीरे धीरे समझते भी जाइएगा, आपको पता भी चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और जहाँ तक भर्ती का रहा सवाल तो हम बता दें कि कुछ दिन पहले आप लोग आरक्षण का मुद्दा सुने होंगे, जो हाई कोर्ट ने बिहार सरकार का जो आरक्षण का अथी था वो रद्द कर दिया, तो फिर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गया है। इसी बीच में आप लोगों को पता होगा 30 सितंबर से बीपीएससी का प्री है, 30 सितंबर को बीपीएससी का प्री है और उसका फॉर्म भरना जुलाई में ही निर्धारित किया गया है। अगर वो जुलाई में फॉर्म आ गया तो इसका मतलब बिहार में सब एग्जाम सुचारू ढंग से भर्ती आएगी जाएगी, अगर वो एग्जाम में मतलब नोटिफिकेशन नहीं निकला इसका मतलब आरक्षण के मुद्दे पर सरकार 1-2 महीना विलंब कर सकती है, तो आपका जो वैकेंसी है बीपीएससी के अथी से कन्फर्म हो जाएगा कि कब आएगा, और बीपीएससी नोटिफिकेशन निकाल दी तो आपका वैकेंसी अगस्त और सितंबर में आ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग अभी से तैयारी में लगे, बार बार बोलते हैं आप लोग जो सोचते हैं वैकेंसी आएगी हम तैयारी कर लेंगे, तो वैसा नहीं है, बिहार पुलिस के जो बिहार दरोगा का बीपीएससी आयोग है बहुत ही फास्ट प्रक्रिया करता है, आप लोगों को पता होगा हम लोग को भी देखे होंगे इस बार भी तो बहुत फास्ट प्रक्रिया करता है, इसमें सोचिएगा कि फॉर्म आया हम तैयारी कर ले तो कभी नहीं होगा, यहाँ टारगेट ही रखना है कि जब हमारा फॉर्म आए उस दिन हमारा तैयारी कंप्लीट हो जाए, बस हमको रिविजन करना है। ठीक है, तो जो लोग हमारे जो बिहार दरोगा का बैच स्टार्ट हुआ उसमें जुड़ के आप लोग चाहते हैं कि अच्छा से तैयारी करना, अपना घर पर भी रह के आपको होमवर्क सीरीज टाइप के ही कराया जाता है, बशर्ते ये है कि वहाँ क्वेश्चन आपको सब याद है, जिससे आप लोग घर पर पढ़ते होंगे एक बार, जैसे मान लीजिए कोई होमवर्क पढ़े जिसे लूसेंट ही पढ़ रहा है या किरण का सामान कोई भी पढ़ रहा है, पढ़ के उसको एक बार पढ़े फिर छोड़ दिए, हम लोग क्या होमवर्क देते हैं उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद हम लोग मॉक उसी से क्यूज बनाते हैं, वही क्यूज से क्वेश्चन आएगा, और बार बार बोलते हैं जब क्यूज लगा लीजिए उसमें आपको जो गलती होता है जो क्वेश्चन अच्छा दिखे उसको कॉपी में नोट डाउन करिए और नोट डाउन करते रहिए, और हर एक 15 दिन 20 दिन पर उसको रिविजन करिए। आप लोग इस प्रक्रिया को 3-4 महीना करिए अच्छा से, आपका देखिएगा जीके जीएस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, आप यहाँ मतलब अभी आपका क्या स्थिति है उस टाइम क्या होगा आपको खुद ऐसा तैयारी करिए आपको पता चल जाएगा। तो बस यही कहना था, जय हिंद।